से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। और जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हम लोगों ने आज आगे बढ़ाना है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, इसका जो क्षेत्रफल है वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है और कितना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके खोज एवं उत्खनन के बारे में, और देन आफ्टर हम लोगों ने इसका हड़प्पा की खुदाई को कवर कर लिया था 1921 में हड़प्पा की खुदाई, और उसके बाद इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो भी देख लिया था, और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, हड़प्पा की खुदाई के ऊपर जो डिस्कशन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि इसके खोजकर्ता दयाराम साहिनी जी हैं, उत्खननकर्ता माधव सरोवर सहिलर हैं, इसकी स्थिति जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है, इसका वर्तमान नाम शाहीवाल है, और इसमें एक अन्नागार मिला हुआ था, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हुए थे, गेहूँ और जौ के दानों के साक्ष्य मिले हुए थे, एक लकड़ी की कब्र जिसे R37 कहा गया, मातृदेवी की मरण मूर्ति, लिंग पूजन के साक्ष्य, और पक्की ईंटों के आवास तथा जल निकासी के प्रमाण, तांबे की इक्का गाड़ी, अभिलेख वाली सबसे ज़्यादा मुहरें हड़प्पा से मिली हैं, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, और एक मछुआरे का चिन्ह बर्तन पर अंकित जो था, और श्रृंगारदान एवं काजल के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोग हड़प्पा की खुदाई को कवर कर चुके थे, और आज हम लोग देखेंगे मोहन जोदड़ो के बारे में। आज हम लोग पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो मोहन जोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, और मोहन जोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी जी हैं, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। इसकी अवस्थिति जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। इसका अन्य नाम प्रीतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा, या स्तूप के टीले के नाम से इसको जाना जाता है। तो मोहन जोदड़ो से हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले हुए हैं, सर्वाधिक बाढ़ के साक्ष्य एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। जैसा कि मेरा मानना है कि जो सिंधु सभ्यता था इसका जो पतन हुआ या सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी प्राकृतिक आपदाओं की, जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सभ्यता थी ये एक नदी के किनारे बसी हुई थी, और मेरा मानना है अगर सिंधु नदी में बाढ़ आई तो ये पूरी सभ्यता को ही इसने प्रभावित किया होगा, और यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ के जो साक्ष्य हैं हमें मोहन जोदड़ो से ही देखने को मिले हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी मोहन जोदड़ो था। और उसके बाद देखेंगे भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग यहाँ पे पाए गए। विशाल स्नानागार, हर घर में कुआं तथा स्नानागार के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है, पशुपति महादेव की मुहर एवं एक दाढ़ी वाली साधु की मूर्ति यहाँ से मिली हुई है। सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात कपास का ज्ञान था मोहनजोदड़ो वालों को, और गले हुए तांबे के ढेर यहाँ से मिले हुए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। एक विशाल सभा भवन, महास्नानागार के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। उसके बाद जॉन मार्शल जी ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। जॉन मार्शल कौन है? तत्कालीन पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष। उसके बाद सड़कों को पक्का करने के एकमात्र साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य मिला है। चिमनी के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, घोड़े के दांत के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, सर्वाधिक मात्रा में मुहरें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, और चांदी की चूड़ियाँ मिली हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है वह महान स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी जो लंबाई है वह 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर, और इसकी गहराई जो है वो 2.43 मीटर है। जैसा देख सकते हैं इसमें सीढ़ी लगी हुई बाकायदा उतरने के लिए, और यह है पशुपतिनाथ की मुहर, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, और एक ये दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति, और ये कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है, लेकिन ये कांसे की नर्तकी मानी गई है, और ये भी मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त हुआ है। अगर मोहनजोदड़ो के इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर एक बार नज़र डाली जाए तो इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, अवस्थित इसके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में, और सर्वाधिक बाढ़ के साक्ष्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, और विशाल स्नानागार,
हर घर में कुआं तथा स्नानागार के प्रमाण, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि प्रोटो ऑस्टेलाइट है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति यहाँ से मिली है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पशुपति महादेव की मुहर, सूती कपड़ों के साक्ष्य भी इम्पॉर्टेंट हैं, घोड़े के दांत के अवशेष मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चांदी की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हुई हैं। इसके बाद हम लोग जो अगला स्थान देखेंगे वह है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो के खोजकर्ता एनजी मजूमदार 1931 में, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके 1935 में। इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के तट पर है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झूकर झांगर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर गई तब एक नई सभ्यता का उदय हुआ और उस सभ्यता को झूकर झांगर नामक सभ्यता कहा गया, और इस बात के प्रमाण हमें चन्हुदड़ो से मिलते हैं। चन्हुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना भी मिलता है, अर्थात चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिलता है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। लिपस्टिक और कंघे का साक्ष्य हमें चन्हुदड़ो से मिलता है। एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, हर जगह से हमें आयताकार ईंटें मिली हैं परंतु चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। चार पहिए वाली गाड़ी चन्हुदड़ो से मिली हुई है। मिट्टी की एक मुद्रा पर तीन घड़ियालों तथा दो मछलियों का अंकन मिला है। वक्राकार मुद्रा, दो नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वज से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। मिट्टी के मोर की आकृति चन्हुदड़ो से मिलती है और चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। दुर्ग जो होते थे तो प्रत्येक नगर हैं वह दो भागों में विभाजित होते थे, एक पश्चिम की ओर होता था तथा दूसरा पूर्व की ओर होता था। तो पूर्व की ओर जो होते थे उनको कहा जाता था नगर और जो पश्चिम की ओर होते थे उन्हें कहा जाता था दुर्ग। तो दुर्ग में एक बाहरी आवरण होता था सुरक्षा कवच की तरह जो कि पक्की ईंटों से बना होता था। ये पक्की ईंटों से बने होते थे तथा जो अंदर वाला भाग होता था वह कच्ची ईंटों से बना होता था, पर नगर में किसी भी तरीके की बाह्य संरचना नहीं होती थी। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्ग है वहाँ पर समाज का एक विशेष वर्ग रहता था जिसे समाज में विशेष स्थान प्राप्त था, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सम्भ्रांत लोग रहते थे और नगर में जनता रहती थी, और अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो दुर्ग की अपेक्षा नगर बड़े होते थे। इस वीडियो को यहीं पर सीमित करते हैं। इसके आगे के स्थानों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।